Sonata. स्मूथ सा हमारा मिक्सर जो तैयार हो गया है इटालियनो ताकि वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए टी बोन स्टेक्स बना रहे हैं जो कि ऑब्वियसली बीफ के होते हैं और उसके साथ बनेगी मैश पोटैटो एंड मशरूम सॉस। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, टी बोन स्टेक्स बना रहे हैं। ये तकरीबन मेरे पास मेरे पास 10 पीसेस हैं जो हाफ इंच के थिक हैं। तो इनको मैरिनेट करके आप ओवरनाइट रखें, ओवरनाइट नहीं रखना है तो फिर आप इसको कम से कम 4 घंटे, कम से कम 3 से 4 घंटे इसको ज़रूर मैरिनेट करें। तो मैंने यहाँ पे पैकेट वाला मसाला यूज़ किया है और इसको बस आपने रब करना है इनके साथ। इनको आप इस तरह अच्छी तरह से रब 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 करते जाएं। इसका स्टेक्स का सबसे ज़्यादा मैरिनेशन का ही टाइम होता है कि आपने मैरिनेशन के लिए इसको ज़रूर टाइम देना। बस यही आपका सबसे बड़ा काम है इसका, इसको लगाना, मैरिनेट करना और टाइम से पहले। तो ये देखें आप कितनी अच्छी तरह से ये हमने बना लिए, मसाला लगा दिया इसको। अब आप इसे कवर करें और फ्रिज में रख दें कम से कम 4 घंटे के लिए। कम से कम मैं कह रही हूँ 4 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे उतने ज़्यादा ये आपको सॉफ्ट मॉइस्ट मिलेंगे, वरना ये बहुत च्यूई से हो जाते हैं। अगर आपने इनको राइट टाइम पे पकाया नहीं, कुछ किया नहीं, तो ये बड़े च्यूई से हो जाते हैं। तो चलें अब जब ये रेडी हो जाएंगे तो फिर हम वापस आते हैं। तो ये जो मसाला हमने लगा के रखा हुआ था, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2-3 टेबल स्पून ग्रीन चटनी जो आपके पास हो वो बनाई हुई है, वो मिक्स करके मैं पूरा इसके ऊपर रब करूँगी दोबारा। एक्चुअली ये मसाले में डालना था पर दिमाग से ही निकल गया। सो अब मैं दोबारा इसको सारे को इस तरह मैश इसमें लगा रही हूँ। बस आपने क्या करना है, इसको इस तरह सब पे लगा देना। इस तरह आप सारे लगाते जाएं। तो मशरूम सॉस हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेक्स के लिए बना रहे हैं। शैलट आपके पास जो छोटी वाली प्याज होती है वो हो तो सबसे बेस्ट है इसके लिए, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, मैं रेगुलर प्याज यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से स्लाइस कर लेना। हाँ, बारीक बारीक इसको स्लाइस कर लें, चॉप कर लें बिल्कुल बारीक बारीक सा। और यहाँ पे मेरे पास 3 क्लोव गार्लिक के हैं, इनको भी हम बारीक बारीक इस तरह क्रश कर लेंगे। अब आपने पैन लेना है, उसमें आपने स्टोव को ऑन करना है और अब आपने क्या करना है, इसमें बटर डालना है। बटर इसमें 2-3 तकरीबन टेबल स्पून जाएगा। फर्स्ट मैं 1 टेबल स्पून इसमें बटर शामिल कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पे मेरे पास मशरूम है जो कि फ्रोजन थी, वो इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि ये डिफ्रॉस्ट हो जाए थोड़ी सी। क्योंकि आपको पता है मशरूम लाओ वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने ये पैकेट ला के फ्रीज कर दिया। तो ये 227 ग्राम्स। सो अब आपने क्या करना है, इसमें जो हमने प्याज काटी हुई थी वो डाल रहे हैं इसमें शामिल कर रहे हैं, प्लस लहसुन का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है बटर और शामिल करें और इनको अच्छी तरह से आप ब्राउन होने देंगे, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे इन चीज़ों को। मशरूम जो है सोक कर लेते हैं और ये बड़े बटरी फ्लेवर इसका आता है सॉस को। तो सो फार हमने 2 टेबल स्पून बटर यूज़ किया, तो आप देखेंगे इसका सारा पानी जो है ड्राई हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन रहा है इस तरह, ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए, बटर और आए। तो बटर में 1 टेबल स्पून और इसमें ऑल टुगेदर 3 टेबल स्पून बटर।
तो जब आपका वो बटर भी मेल्ट हो गया और आपके मशरूम अच्छी तरह से फ्राई से हो गए हैं, इसमें आपने क्या करना है, हाफ कप मैंने पिंक क्रीम ली है वो इसमें शामिल की, साथ ही इसमें मैं शामिल करूँ ब्लैक पेपर, टेस्ट के हिसाब से मैंने हाफ टी स्पून डाला, थोड़ा सा सॉल्ट वो भी टेस्ट के हिसाब से, और अब यहाँ पे मेरे पास एक कप चिकन स्टॉक है जो कि मैं इसमें शामिल करूँ। आप कोई सा भी स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके पास बीफ का हो, वेजिटेरियन हो, कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस अब आप इसे सिमर होने दें और इसमें जा रहा है 1 टीस्पून इटालियन हर्ब्स, और ये तकरीबन मीडियम हीट पे 6-7 मिनट, ये थिक होगा थोड़ा, अभी ये अभी पतला है तो पक पक के थिक हो जाएगा। तो आप देखें इसे हो गए 5 मिनट पर अभी भी ये थिक इनफ नहीं हुई है, इसे और थिक होने दें, और थिकनेस का आप इस तरह भी पता चला सकते हैं कि जब आप सॉस उठाएं और जब आप इसको इस तरह करें और यूं लाइन करें तो ये इस तरह रहे, रनी ना हो जैसे। तो हमने लिया पैन, उसमें डाल रहे ऑयल और इनको करेंगे शैलो फ्राइड। तो हाई हीट पे इससे थोड़ा सा कम है मेरा, और इसको पीछे हमने डार्क ब्राउन करना ताकि ये अच्छा सा हो जाए, और क्योंकि मैरिनेट हमने बहुत देर से इसे किया हुआ तो इसलिए गलने का तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा इनका, तो इसको 3-4 मिनट आप एक साइड रहने दें। हल्का सा आप इसको उठा के देखें फिर इसका कलर नीचे चेंज हुआ कि नहीं, एक मिनट और रखेंगे फिर उसके बाद इसको लग सकते। इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको कलर देना, और इनको आपने तेज आंच पे ही बनाना होता है, वरना ये थोड़ा सा अगर आपने इनको लो हीट पे करके ज़्यादा देर पकाया तो ये चूही हो जाता। अब जस्ट मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, और ये देखें हीट ऑलरेडी इसका फॉल हो रहा है, मतलब ये इतना अच्छी तरह मैरिनेट हुआ है कि हीट ऑलरेडी इसका 3-4 मिनट में उतरना शुरू हो गया। दूसरी तरफ भी रख के मैं इसे 2-3 मिनट रखूँगी कवर करके, पैन को इस तरह घुमा लें अगर कहीं से हीट आपकी ज़्यादा किसी पर लग रही है, और जो जो होता जाएगा वो मैं निकालती जाऊँगी वन बाय वन, जैसे ये थोड़ा सा पतला है, ये मोटा है, तो ये जो बारीक वाला है हालांकि मैंने उन्हें कहा भी था मीट वाले को कि 1/2 इंच के सारे, ये जो पतला वाला है ये पहले रेडी हो गया, इसको पहले निकाल लेंगे। अभी देखें इसका मीट कितना ज़बरदस्त का लग रहा है, तो ये वाला स्टेज मैं निकाल रही हूँ पहले, देखें इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा आप इससे ये इसका ग्रेवी जो है ये डाल दें इसके ऊपर, चले। साथ ही हम बना रहे हैं स्टेक्स के मैश पोटैटो, और उसके लिए मैंने 3-4 आलू उबलने के लिए रख दिए, छीले थे उनको पहले और काट के अब उबलने के लिए रख दिए, और ये देखो ये बॉईल हो रहे हैं सिंपली, जब ये पूरे फुली बॉईल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम वापस आते हैं। तो जब आपके पोटैटोस बॉईल हो गए तो आपने क्या करना है, उन्हें मैश कर लेना है किसी भी तरीके से, आपने बिल्कुल उनको स्मूथली मैश कर लेना है, बस इसमें यही है कि इतना अच्छा आपने मैश करना है कि बिल्कुल इसमें कोई इसकी गुठली ना रहे, ताकि बहुत ये क्रीमी से बने, बस ये है इसका काम सबसे ज़्यादा मैश करने का, कि मैश बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए, इसीलिए ये मैश पोटैटो कहलाते हैं। अब आपने पैन लेना है, और पैन में आपने क्या करना है, व्हिप्ड क्रीम जो है आपकी वो 1/3 कप मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैं शामिल करूँगी 2-3 गार्लिक के जो मैंने स्लाइस किए हुए, गार्लिक के 3 मैंने जो लिए थे, बल्कि मैं इसमें 1/2 कप मैंने इसको क्रीम को कर दिया। अब कुछ भी नहीं, अब आपने इसको बॉईल नहीं करना, बस इसको गर्म करना है, जैसे ये बबल्स से ऊपर आने लगेगा आपने इसको ऑफ कर देना। सो वहाँ पे हमारी व्हिप्ड क्रीम रेडी हो गई है, और
ये जो मैश पोटैटो हैं ये भी ऑलमोस्ट मैश्ड हो गए हैं। अब इसमें हमने शामिल करना है बटर, क्योंकि बटर के बगैर आपको पता है मैश पोटैटो तो बनेंगे नहीं। तो इसमें मैं 1, 2, 3 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ और इसको अब मैश कर रही हूँ इसके अंदर। और जब बटर आपका मिक्स हो जाए और जो हमने व्हिपिंग क्रीम गर्म की थी उसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि गार्लिक जो है उसके अंदर शामिल ना हो। और अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है सावर क्रीम शामिल कर रही हूँ। और अब आप अपना कोई सा भी बीटिंग आप देखें कि कितना ये स्मूथ सा हमारा मिक्सचर जो तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आप अपना सर्विंग बोल लें, उसमें इसको डालें इसको इस तरह से फ्लैटन कर दें थोड़ा सा, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ी सी बटर। ये सारा प्रोसेस आपने करना है जब ये वाइल आपके पोटैटोस वार्म है, गर्म है, वरना फिर ये मज़ा नहीं आएगा। ये बटर अभी मिक्स हो जाएगा इसमें, देखें ये बटर मेल्ट होना भी शुरू हो गया। सब तक हमारा बटर मेल्ट हो रहा है, इसमें हल्का सा हमने डाला है इटालियानो ताकि अच्छा सा इसकी खुशबू आ जाए। और बस आपका साइड डिश तैयार है स्टेक्स के लिए। बस इसको भी इसी तरह आपने पहले ब्राउन कर लेना है, फिर इसको कवर करके 2-3 मिनट एक तरफ से, 3-4 मिनट दूसरी तरफ से स्टीम करना है आपने। मेरे स्टेक्स अब रेडी हो गए हैं, इनको मैं करूँगी ऑफ। तो आप देखें कि स्टेक माशाल्लाह कितने खूबसूरत से रेडी हो गए। मैंने सारे पूरे कंप्लीट नहीं किए क्योंकि ये गरम गरम ही उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब आप बनाएं। तो अब आप इसको कर लें डिश आउट। बिस्मिल्लाह, देखें कैसे फॉल हो रहे हैं, फॉल अपार्ट हो रहे हैं सारे। बस आप उसी वक्त रखें क्योंकि इनको मैरिनेट किए होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। देखें मीट वैसे ही गिर रहा था, अब देखें कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसके ऊपर आप चाहें तो ये ऑयल ड्रिजल कर दें, इससे इसमें शाइनिंग सी आ जाएगी। साथ में देखें मैंने ये बनाया सॉस जो आपके साथ बनाई थी, और मैश पोटैटोस बनाए थे मैंने साथ में। पर मैश पोटैटो में मैं आपको बताना भूल गई, नमक और काली मिर्चें आपने डाल ली हैं क्योंकि बटर मैंने सॉल्टेड डाला था तो नमक मैंने बहुत कम डाला इसमें। लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, अगर आपका आप हाफ टी स्पून या जितना भी आपको पसंद है। तो ट्राई तो आपके साथ अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, लेकिन आप ज़रूर जाके इसको ट्राई करें और फैमिली के साथ शेयर करें। अफ्तारी में नहीं तो ईद आ रही है, ईद पे स्टेक्स बनाएं और मज़े से खाएं। मीट तो आप देखें ये किस तरह फॉल ऑलरेडी हो रहा है घरों में बहुत, लेकिन ये देखें गर्म इतना है लेकिन फिर भी वैसे ही टूटता जा रहा है, इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट है। इसको ड्राई नहीं होना चाहिए क्योंकि चुई जब हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। और जब आप इसका यही होता है कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें या कम से कम 4 घंटे इसको मैरिनेट कर दें, और मैश पोटैटो इसके साथ जाते हैं और मशरूम सॉस जाती है इसके साथ, बस इसके ऊपर डालें और खाएं। हम इफ्तारी में याद रहा तो ज़रूर आपको बताएंगे कि किस तरह का टेस्ट रहा। लेकिन अब मुझे इजाज़त दें, आप जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।